हेलो स्टूडेंट्स, तो आई एम बैक अगेन विद द 10 सीबीएसई वीडियो एंड दिस टाइम इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी. स्टूडेंट्स को इसमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स में भी पूछ सकते हैं. तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम देखेंगे अच्छे से डिटेल में किस तरीके से इसे याद करना है. तो अब हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रखा है. सबसे पहला हमें मार्केट की डेफिनेशन दे रखी है, जो कि सबको पता ही है. एक ऐसी प्लेस जहां पे परचेज एंड सेलिंग की जाती है गुड्स की, उसे हम मार्केट बोलेंगे. रेगुलर गैदरिंग ऑफ पीपल होगा, क्राउड होगी, एंड परचेज एंड सेलिंग होगी गुड्स की, तो उसे हम बोलेंगे मार्केटिंग. अब हमें ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं. इन रिसेंट ईयर मार्केट प्लेस जो है वो बहुत ही तरीके से बहुत ही ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं. पहले के टाइम से हम अगर कंपेयर करें तो पहले कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मार्केट थे, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कन्वर्ट हो चुके हैं मार्केट. तो वो किस तरीके से हुए हैं? सबसे पहला, आज की हम बात करें तो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाहर से प्रोडक्ट्स जो है वो आने लगे हैं. इसकी वजह से कंज्यूमर्स के पास वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है. अलग अलग वेराइटीज के गुड, फॉरेन गुड्स जो है वो मिलते हैं, यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स भी उन्हें मिलते हैं. तो फर्स्ट इज वाइडर चॉइसेस ऑफ गुड्स. नेक्स्ट इज आज के टाइम पे लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ डिजिटल कैमरा. अलग अलग कैमरा जो है अलग अलग टेक्निक्स के हिसाब से, डीएसएलआर आपने सुना ही होगा. अलग आजकल फोटोग्राफी का काफी लोगों को शौक हो गया, तो अलग अलग टाइप के डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन सेट्स जो है, और बड़ी बड़ी कंपनी जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर जो है, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कंज्यूमर्स को इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट जो है वो हुआ है. तो ये भी रिलेटेड है वाइडर चॉइसेस ऑफ गुड्स से. नेक्स्ट, एवरी सीजन, हर सीजन की हम बात करें तो कोई ना कोई न्यू व्हीकल जो है, ऑटोमेटेड व्हीकल्स हो गई, आपने एक्टिवा में मॉडल्स देखे होंगे ऑटोमेटेड हो गए हैं. तो यहाँ पे न्यू मॉडल्स जो है ऑटोमोबाइल्स के हर सीजन में हम रोड्स पे देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, कार्स की बात की गई है. एम्बेसडर्स ऑफ फिएट जो है, जो कि ओनली कार्स ऑन द इंडियन रोड टूडे जो है, इंडियन जो है आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस्ड बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड. आज के टाइम पे बहुत जो टॉप टॉप कंपनीज है जो आउट ऑफ इंडिया है, वहां से लोग जो है अलग अलग न्यू ब्रांड्स की जो कार्स जो है वो खरीदते हैं. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट, अ सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स. आपने ब्रांड्स का नाम तो सुना ही होगा. अलग अलग टाइप के ब्रांड जो है, जीन्स के ब्रांड्स देख लो, शूज के ब्रांड्स देख लो. तो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन काफी ज्यादा नए नए ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया में आने लगे, इंडिया में एंट्री हुई है. तो हम अदर गुड्स जैसे कि एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स की भी हम बात करें तो हैवी व्हीकल्स जो है, हैवी व्हीकल्स हो गए. फ्रॉम प्रोसेस फ्रूट जूसेस की बात करें तो फ्रूट जूसेस भी हम हमारे यहाँ पर दिखने लगे हैं. टू शर्ट एंड वेरियस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी हमें देखने को मिलते हैं. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मार्केट से हमारा आज का मार्केट जो है वो काफी ज्यादा मॉडर्नाइज हो गया है. तो और हमारा मार्केट पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया है अलग अलग तरीके से. तो ये हमें एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, अच्छे से याद रखना है. अब हम चलते हैं, अब हमारा मेन टॉपिक जो है वो है एमर्जेंस ऑफ एमएनसी. आज के टाइम पे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और कंपनी जो है वो काफी ज्यादा एमर्ज होने लगी है. इंडिया में हम बहुत सारी एमएनसी जो है वो देखते हैं. तो सबसे पहले हम समझते हैं मल्टीनेशनल कंपनी. तो देखते हैं क्या डेफिनेशन है. एमएनसी एक ऐसी कंपनी है जो कि जिसकी ओनरशिप और कंट्रोलिंग जो है प्रोडक्शन की वो एक नेशन से ज्यादा को हो, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी. तो देखो, सपोज अगर हम इंडिया के व्यू पॉइंट से बात करें तो अगर कोई इंडियन कंपनी जो है आउटसाइड इंडिया, उसकी अलग अलग मल्टी अलग अलग कंपनीज है आउटसाइड इंडिया, तो ये इंडियन कंपनी को हम बोलेंगे मल्टीनेशनल कंपनी. अब हम देखते हैं, जब भी कोई एमएनसी जो है वो दूसरे कंट्रीज में अगर एस्टेब्लिश करना चाहता है तो वो कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो देखता है, कौन कौन से फैक्टर्स को उन्हें ध्यान में रखना पड़ता है. तो सबसे पहला, एमएनसी वहीं पर अपने ऑफिस और फैक्ट्रीज जो है प्रोडक्शन की वहीं पर चालू करेंगे जहां पे उन्हें चीप लेबर या कम रेट में, कम वेजेस में उन्हें लेबर मिलते हो और दूसरे रिसोर्सेज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी या दूसरी फैसिलिटीज जो है, रॉ मटेरियल जो है वो चीप, कहीं ना कहीं चीप मिलते हो, वो वहां पर एमएनसी जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, वो वहीं पर प्रोडक्शन सेटअप करेंगे. वो ये ध्यान में रखते हैं कि कहाँ पर हमें मार्केट जो है वो पास में मिल जाएगा, हम जो भी फिनिश प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका मार्केट जो है हमें आसानी से मिल जाए. नेक्स्ट है, दे एस्टैब्लिश प्रोडक्शन वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट द लोअर कॉस्ट. जो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, जहां पर स्किल लेबर्स भी मिले, प्रोफेशनल एडुकेटेड लेबर्स भी मिले, उसी के साथ साथ अनस्किल लेबर मिले और चीप या लोअर कॉस्ट और सैलरी या वेजेस में उन्हें मिल जाए, तो वहां पर वो सेटअप करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट,
वो वहां पर ही सेटअप करेंगे जहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गया, वाटर फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो है वो उन्हें आसानी से और चीप रेट्स में मिल जाए वहां पर वो सेटअप करेंगे और एंड दे सेटअप प्रोडक्शन वेयर गवर्नमेंट पॉलिसीज आर फेवरेबल टू देम। कोई भी एमएनसी जो है वो वहीं पर अपनी गवर्नमेंट जो भी एमएनसी जो है वो सेटअप करेगी जहां पर उन्हें लगता है कि हाँ उन्हें टैक्सेस या कुछ भी ऐसे कॉस्ट जो है जहां पर गवर्नमेंट जो है वो कम लेती हो या चीप उन्हें पड़े तो वहीं पर वो सेटअप करेंगे जहां पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है उन्हें फेवर करती हो, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज जहां पर हो वो वहां पर अपना सेटअप जो है एमएनसी का करेंगे। तो ये भी हमें काफी बार पूछते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स टू सेटअप एन एमएनसी, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे कि एमएनसी को सेट करते हैं एस्टैब्लिश करते हैं। तो देखिए आपको शॉर्ट में दे रखा है फैक्टर्स टू सेटअप एमएनसी, तो सबसे पहला है चीप लेबर, जहां पर चीप लेबर हो एमएनसी जो है वहीं पर जाएगी जहां पर क्लोजनेस टू या प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट हो। नेक्स्ट इज अवेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर जो हो और चीप कॉस्ट में हो। अवेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल जो हो वो अच्छे से अवेलेबल हो, अबंडेंस में हो। नेक्स्ट इज ईज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, जहां पर गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो फेवरेबल है और कहीं ना कहीं उनके लिए फ्रेंडली है वहीं पर वो अपने एमएनसीज जो है वो सेटअप करेंगे। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको पता ही है, ये टर्म आपने सुना ही होगा अपने रेगुलर लाइफ में। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कहीं पर पैसा लगाना। तो आप कहीं पर कहाँ पर पैसा लगाना उसको हम समझते हैं द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय। जो भी हम मनी लगाते हैं लैंड खरीदने में, बिल्डिंग खरीदने में, अगर कंपनीज की बात करें तो मशीन्स खरीदने में एंड अदर इक्विपमेंट्स, इसे हम क्या बोलेंगे, जो भी चीजें हम लैंड, बिल्डिंग, मशीन या दूसरे इक्विपमेंट्स या टूल्स में खरीदने में लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो अब हमने इन्वेस्टमेंट समझा, अब हम समझते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एमएनसीज, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो पैसा लगा रही है तो एमएनसीज जो है वो इंडिया में अगर आकर पैसा लगाती है तो उसे हम बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आकर अगर पैसा लगाती है, इन्वेस्ट करती है तो उसे बोला जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब हम जो है वो इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, हमारा मेन एम या ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कोई भी पर्सन एक लेमैन की बात करे तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इसीलिए करेगा ताकि के उस इन्वेस्टमेंट से उसे प्रॉफिट हो। तो हम ऑब्जेक्टिव समझते हैं एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज एसेट विल अर्न प्रॉफिट। हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा और उससे हमें रिटर्न्स या प्रॉफिट जो है वो मिलने चाहिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव एक पर्सन का यही होता है कि वो इन्वेस्टमेंट करे और उससे उसको प्रॉफिट मिले। तो आई होप आपको ये तीनों टॉपिक इन्वेस्टमेंट, फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट और उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो समझना है। हमें कभी कभी एग्जामिनेशन में इनके बीच में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं तो हमें दोनों की डेफिनेशन जो है वो लिखनी है। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। किस तरीके से एमएनसी जो है वो प्रोडक्शन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देती, कैसे अलग अलग कंट्रीज के थ्रू काम किया जाता है। तो इसको हम डायरेक्टली शॉर्ट में समझते हैं, एक एमएनसी जहां पर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। तो देखिए अ लार्ज एमएनसी जो कि प्रोड्यूस कर रही है या मैन्युफैक्चर कर रही है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, तो वो यूएसए में डिजाइन करती है अपने प्रोडक्ट। याद रखना है एक एमएनसी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और वो डिजाइन कर रही है अपने प्रोडक्ट्स यूएसए में। अब नेक्स्ट देखते हैं आपको क्या लिखा हुआ है, एंड देन हैज द कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। जो ये कंपोनेंट्स कुछ जो भी कंपोनेंट्स जो बनाती है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, इक्विपमेंट से रिलेटेड, वो जो है वो कहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है, चाइना में। तो देखो वर्क जो है वो डिवाइडेड है, डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो यूएसए में किया जाता है, इसके कंपोनेंट जो भी है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं चाइना में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है आपको, मीन बाइल दीज आर देन शिप टू मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप। अब ये कंपोनेंट्स जो है वो कहाँ पर शिप किए जाते हैं या कहाँ पर ट्रांसफर किए जाते हैं, मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में, और वहां पर जो भी प्रोडक्ट जो है कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट जो है उसका असेंबल जो है वो किया जाता है और यहाँ से फिनिश गुड्स पूरा तैयार होता है और उनको अलग अलग कंट्रीज में भेजा जाता है फॉर सेलिंग पर्पस। तो ये था हमारा प्रोडक्शन पूरे पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अब हम इंडिया की बात करते हैं, बिकॉज इंडिया में बहुत ही एडुकेटेड पीपल जो है तो इंडिया जो है वो पूरा काम संभालती है कस्टमर केयर का या कॉल सेंटर का। तो देखिए आपको यहाँ पर यही दे रखा है, इन दिस एग्जाम्पल द एमएनसी इज नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिक्स फिनिश प्रोडक्ट, वो फिनिश प्रोडक्ट्स तो बेच रही है
बट मोर इम्पोर्टेंट उनका काम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो ग्लोबली हो रहा है, अलग अलग कंट्रीज के थ्रू हो रहा है। इन द अबव एग्जाम्पल हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे, चाइना जो है वो बेनिफिट चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है यहाँ पर, बिकॉज उन्हें चीप मैन्युफैक्चर जो मिल जाता है इसीलिए उन्होंने काम डिवाइड कर दिया चाइना में। फिर मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में हमने देखा तो यहाँ पर बिकॉज क्लोजनेस टू उन्हें मार्केट मिलता है, अलग अलग कंट्रीज में वो सेलिंग जो है वो आसानी से करते हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स है जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो आसानी से समझ जाते हैं और वो कस्टमर केयर का या कॉलिंग का पर्पस जो है वो पूरा करते। तो इस तरीके से पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री जो है वो डिवाइडेड है। और यहाँ पर देखिए, और ये सब डिविजन की वजह से एक एमएनसी जो है उसे सेविंग्स होती है, कॉस्ट सेविंग्स होती है, खर्चा बच जाता है उनका 50-60% ऑफ कॉस्ट सेविंग फॉर द एमएनसी। तो ये हमें एकदम अच्छे से याद रखना है, हमें ये लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस में भी जो लॉजिकली बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं जिसमें हमें सीक्वेंस में जमाना पड़ता है तो उसमें भी हमें पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है एकदम इजीली, एमएनसी है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चर करी, उसका डिजाइनिंग जो है वो यूएसए में होता है, देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट जो है वो चाइना में होता है बिकॉज चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, फिर वहां से वो शिपिंग की जाती है मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप में जहां पर प्रोडक्ट का असेंबलिंग होता है, फिर फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद बिकॉज ऑफ इसको बेनिफिट है मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप से क्लोजनेस टू मार्केट, तो अलग अलग कंट्रीज में इसका सेलिंग जो है वो की जाती है। और कॉल सेंटर का काम जो है वो पूरा जो है टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो इंडिया में एडुकेटेड स्किल्स पीपल है तो कॉल सेंटर का काम जो है वो पूरा इंडिया जो है वो संभालती है। आई होप आपको इससे पूरा क्लियर हो गया हो किस तरीके से प्रोडक्शन जो है अक्रॉस द कंट्री किया जाता है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरियस फेज इन विच एमएनसीज आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन, किस तरीके से एमएनसी जो है वो अपने प्रोडक्शन को फैलाती है अलग अलग कंट्रीज में। तो सबसे पहला हमें ये क्वेश्चन पूछेंगे, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन इन डिफरेंट वेज, एक्सप्लेन जस्टिफाई कमेंट। तो देखते हैं सबसे पहला किस तरीके से एक एमएनसी जो है वो किसी जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में आकर वो किसी लोकल कंपनी को परचेज करेगी, बाय करेगी, और वहां से उसको बाय करने के बाद वो अपना प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में ही करेगी। हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कारगिल फूड्स का और पारक फूड्स का। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एमएनसी जो है जिसका नाम है कारगिल फूड जो कि एक अमेरिकन एमएनसी है, अमेरिका की एमएनसी है, और परचेज अ स्मॉल इंडियन कंपनी, उसने इंडिया में आकर एक लोकल कंपनी जो थी जो कि पारक फूड जो है उसे खरीदा, और खरीदने के बाद उसने अपना इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ाया। और इंडियन पोजीशन की बात करें तो कारगिल फूड जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एडिबल ऑयल की इंडिया में, और उसकी कैपेसिटी जो है वो डेली जो है वो 5 मिलियन पाउचेस ऑफ ऑयल जो है वो बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। तो सबसे पहला है बाय बाइंग द लोकल कंपनी, इसमें हमें एग्जाम्पल भी अच्छे से याद रखना है, कारगिल फूड्स एंड पारक फूड्स। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एक तरीका था बाइंग द लोकल कंपनीज, दूसरा तरीका है कंपनी जो है वो लोकल कंपनीज के प्रोडक्ट्स जो है वो बाय करती है और उसपे अपना टैग लगाकर उन्हें अक्रॉस द कंट्रीज बेचती है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बाय बाइंग मास प्रोड्यूस गुड्स ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, वो बाय करती है लोकल प्रोडक्ट्स को, एमएनसी जो है वो बाय कर लेती है और उस पर अपना टैगिंग लगाती है और अपने ब्रांड नेम पर उन प्रोडक्ट्स को ग्लोबली जो है वो बेचती है। तो दूसरा हो गया हमारा प्रोडक्ट्स को वो लोकल कंपनी से बाय करे, उस पर अपना ब्रांड नेम लगाए और उसे वो बेचे। नेक्स्ट हम देखते हैं बाय प्लेसिंग ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद द स्मॉल प्रोड्यूसर, अब कुछ कुछ एमएनसी जो है जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको ऑर्डर दे देती है कि हमें ये पर्टिकुलर गुड्स या प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करने हैं। जैसे कि एग्जांपल्स देखो आप, गारमेंट, फुटवेयर और स्पोर्ट इंडस्ट्री जो है, जनरली एमएनसी जो है यहाँ पर जो है वो रूरल एरियाज में जाकर जो स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर जो है वहां पर अपना प्रोडक्ट जो है वो उनका ऑर्डर दे देती है और ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद अपने ब्रांड नेम पर उन प्रोडक्ट्स को बेचती है। और फोर्थ है बाय डूइंग पार्टनरशिप और कैलाब्रेशन, तो बाय प्रोड्यूसिंग जॉइंटली विथ सम ऑफ द लोकल कंपनीज, तो पार्टनरशिप कर लेती है, जैसे इंडिया में आई, इंडिया में आकर उन्होंने किसी लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली और पार्टनरशिप करने के बाद वो अपना प्रोडक्शन जो है वो जो भी प्रोडक्ट जो है उसे बेचती है।
तो इसकी वजह से, पार्टनरशिप की वजह से एक लोकल कंपनी को, एक डोमेस्टिक कंपनी को क्या क्या फायदे होते हैं, ये भी हमें एग्जाम में पूछते हैं। सबसे पहला, अ एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अगर कोई लोकल कंपनी है, उसके जेब में पैसा नहीं है, तो जो भी एमएनसी जो है वो आती है, उसके साथ पार्टनरशिप करती है, जो भी एडिशनल रिक्वायरमेंट है पैसों की, वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो उसे देती है। नेक्स्ट, अ एमएनसी कैन ब्रिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। अब इंडिया की अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन उसको बनाने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं। तो अगर एमएनसी आ जाए, इसके साथ पार्टनरशिप कर ले, तो वो उसे एडिशनल टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कर सकती है। तो एग्जाम में ये भी पूछते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू द लोकल कंपनी बाय प्रोडक्शन जॉइंटली या बाय बाय कोलैबोरेटिंग विद द लोकल कंपनीज और एमएनसी। तो हमें याद रखना है, एग्जाम्पल भी इसका अच्छे से याद रखना है। फोर्ड मोटर्स जो थे, उन्होंने एक लार्ज, जो कि एमएनसी जो थी, उन्होंने एक लार्ज प्लांट सेटअप किया चेन्नई में, और कैलिब्रेट किया या कैलिब्रेशन पार्टनरशिप करी महिंद्रा एंड महिंद्रा से, जो कि एक इंडियन कंपनी थी जो मैन्युफैक्चर करती थी जीप एंड ट्रक। तो देखिए आपको कैसे पार्टनरशिप से लोकल कंपनी लोकल कंपनी जो है वो एमएनसी जो है वो साथ में पार्टनरशिप करते हैं, और इससे दो बेनिफिट होते हैं। एमएनसी जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है, एंड दूसरा एमएनसी जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करती है। इसके अंदर हमें एग्जाम्पल भी अच्छे से याद रखना है, फोर्ड मोटर्स जो कि एक एमएनसी है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि एक इंडियन कंपनी है, उन दोनों ने पार्टनरशिप करी। एग्जाम्पल्स भी अच्छे से याद रखने। तो हमने अलग अलग तरीके देखे किस तरीके से एमएनसी जो है वो अपना प्रोडक्शन स्प्रेड करती है। एकदम अच्छे से याद रखना है, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहला है बाय बाइंग द लोकल कंपनी, वो लोकल कंपनी को ही बाय कर लेती है। इसमें हमने कारगिल फूड और पारक फूड का एग्जाम्पल देखा। नेक्स्ट, वो जो भी प्रोडक्शन जो है वो बाय कर लेती है और उसे अपने ब्रांड नेम पर बेचती है। तीसरा हमने देखा, वो ऑर्डर जो है वो लोकल कंपनीज को या स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उन्हें दे देती है, और अपना प्रोडक्शन जो है अपने ब्रांड नेम पर वो प्रोडक्ट्स बेचती है। और फोर्थ हमने देखा पार्टनरशिप का, या जॉइंट वेंचर भी हम उसे बोलते हैं। तो फोर्थ जो है वो जॉइंट वेंचर से रिलेटेड है या पार्टनरशिप से रिलेटेड है। कोई भी एमएनसी एक डोमेस्टिक कंपनी को परचेज कर लेती है और उसके साथ पार्टनरशिप करके अपना बिजनेस जो है वो करती है। तो ये फोर वेज है जिससे कि एमएनसी जो है अपना प्रोडक्शन जो है वो स्प्रेड करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखना है। इसमें जो भी कंपनीज जो दी है, किसके साथ पार्टनरशिप करी, किसके साथ कोलैबोरेट हुई है, वो भी हमें अच्छे से याद रखना है। और ये भी हमें 1 मार्क्स में पूछते हैं, ये जो चार हमने वेज पढ़े, उसमें से सबसे कॉमन रूट या सबसे कॉमन वेज जो है वो है टू बाय अप अ लोकल कंपनी एंड टू एक्सपैंड द प्रोडक्शन। वो किसी एक स्मॉल लोकल कंपनी को परचेज कर लेती है अपने नाम पर, और वो उस लोकल कंपनी के साथ जो है अपना प्रोडक्शन जो है वो एक्सपेंड करती है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छे से याद रखना है, मोस्ट कॉमन वे क्या है, टू बाय अप द लोकल कंपनीज एंड प्रोडक्शन को एक्सपेंड करना। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि अभी हमने पहले ही देखा, उसका एक्सपेंशन तो दे रखा है। इसे हमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और केस स्टडीज में भी पूछ सकते हैं, इसीलिए हमें अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कारगिल फूड्स के बारे में। तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ डज कारगिल फूड बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। वो किस तरीके से लार्जेस्ट, वो इस इतनी ग्रोथ और डेवलपमेंट उसकी कैसे हुई, कैसे वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनी इंडिया में आकर। तो सबसे पहला कारगिल फूड्स की बात की गई है, उन्होंने परचेज कर लिया पारक फूड को इंडिया में आकर। तो देखिए, कारगिल फूड जो कि एक अमेरिकन एमएनसी है, अच्छे से याद रखना है, उसने क्या किया, इट हैज बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनी सच एज पारक फूड को उसने परचेज कर लिया। फिर पारक फूड का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। पारक फूड फूड जो है उन्होंने इंडिया में एक लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क जो है वो डेवलप किया है अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में, और ये इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है। तो कारगिल फूड ने ये देखा कि ये काफी ज्यादा फेमस है, तो इस क्यों ना हम इसको खरीद ले। तो पारक फूड हैज 4 ऑयल रिफाइनरीज, उसके बारे में दे रखा है, हुज कंट्रोल हैज नाउ शिफ्टेड टू कारगिल। अब पूरी तरीके से पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो कारगिल फूड को शिफ्ट हो गया है, और पार्टनरशिप उसको बाय करने के बाद कारगिल जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एडिबल ऑयल की इन इंडिया की, और ये हमने पहले ही देखा, 5 मिलियन पाउचेस जो है वो बनाती। तो इस तरीके से उसकी ग्रोथ जो हुई और वो बने लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, कारगिल फूड्स एंड पारक
पारक फूड, उन्होंने पारक फूड को बाय किया और इस तरीके से पारक फूड जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना एडिबल ऑयल का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फोर्ड मोटर्स की बात करते हैं। पहले हम इसकी हिस्ट्री समझेंगे क्या है। एग्जामिनेशन के सैंपल पेपर जो है अभी वाला, उसके अंदर भी आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इसी का दे रखा है, तो देखते हैं क्या लिखा गया। फोर्ड मोटर्स ये भी एक अमेरिकन कंपनी है, वो एक लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसका प्रोडक्शन जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड बात करें तो 26 कंट्रीज में फैला हुआ है। अब फोर्ड मोटर्स जो है उसने अपॉर्चुनिटी देखी, वो इंडिया में आए 1995 में और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 1700 करोड़ का, ताकि के और उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट जो है एक सेटअप किया, उन्होंने एक प्लांट सेटअप किया चेन्नई में और यहाँ पर उन्होंने कैलिब्रेट किया या पार्टनरशिप करी महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि इंडिया में काफी वेल रेप्यूटेटेड ब्रांड है, मैन्युफैक्चरर है जीप और ट्रक का, तो उसके साथ उसने पार्टनरशिप जो है वो कर ली। अब आफ्टर पार्टनरशिप क्या बेनिफिट हुआ, बाय द ईयर 2017 बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप और कैलिब्रेशन फोर्ड मोटर्स जो है वो 88,000 कार्स जो है वो इंडियन मार्केट्स में बेचने लगी, वाइल अनादर 1,81,000 कार्स जो है वो एक्सपोर्ट, सिर्फ इंडिया में नहीं उसने अपना प्रोडक्शन जो है बाहर भी किया, वो यहां से एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस तरीके से पार्टनरशिप करके उन्होंने अपना ब्रांड नेम जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो किया। द कंपनी वॉन्ट्स टू डेवलप फोर्ड इंडिया। अब ये कंपनी जो है फोर्ड मोटर्स जो है वो चाहती है कि वो फोर्ड इंडिया के नाम से एक कंपोनेंट सप्लाइंग बेस जो है वो इंडिया में सेटअप करे और वहां से वो दूसरी दूसरे कंट्रीज में जाकर अपने प्रोडक्ट्स जो है वो कंपोनेंट जो है उसको सेल करे। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसको हम शॉर्ट में देखते हैं, एक अमेरिकन एमएनसी जिसका नाम है फोर्ड मोटर्स, जो कि लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है और इसका प्रोडक्शन जो है वो 26 कंट्रीज के अक्रॉस फैला हुआ है। अब वो इंडिया में आए, इंडिया में आकर उन्होंने पार्टनरशिप करी इंडिया 1995 में, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 1700 करोड़ का, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ताकि के वो चेन्नई में एक प्लांट जो है वो सेटअप कर सके और उन्होंने इंडिया में आकर फोर्ड मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा का कैलिब्रेशन हुआ, पार्टनरशिप हुई और महिंद्रा एंड महिंद्रा जो थे वो इंडियन मैन्युफैक्चरर है जीप एंड ट्रक्स के, और आफ्टर पार्टनरशिप उनका बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हुआ। सिर्फ इंडिया में तो सेलिंग थी, अक्रॉस द कंट्रीज भी वो बहुत नंबर ऑफ कार्स जो है वो बेचने लगे, सिर्फ इंडिया में भी और साउथ अफ्रीका, यूएसए, ब्राजील में भी अपना जो प्रोडक्शन जो है, अपनी सेलिंग जो है वो काफी ज्यादा बढ़े। तो इस तरीके से एक एमएनसी जो है पार्टनरशिप के साथ काफी ज्यादा उसने ग्रोथ करी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें और भी पूछते हैं जो कि टेक्स्ट बुक में भी पूछा गया है। फोर्ड मोटर्स जो है वॉन्ट टू डेवलप फोर्ड इंडिया एज अ कॉम्पोनेंट सप्लाइंग बेस। तो फोर्ड मोटर्स जो है वो चाहती है कि इंडिया में एक फोर्ड इंडिया के नाम से, एक ब्रांड नेम से वो यहाँ पर सेटअप करे एक कंपोनेंट सप्लाइंग बेस। अब इसके हम रीजन देखते हैं क्यों ये चाहती है एक अमेरिकन कंपनी इंडिया में अपना कंपोनेंट बेस बनाना, तो इसके हम रीजन अब देखेंगे। तो अब हम देखते हैं इसके रीजन, तो शॉर्ट में देख लेते हैं। फोर्ड मोटर्स कंपनी जो है वो सेटअप करना चाहती है एज अ ब्रांड नेम फोर्ड इंडिया एज अ कंपोनेंट सप्लाइंग बेस और वो अक्रॉस द ग्लोब जो है वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बेचना चाहती है। इसके रीजन क्या है, ये चीज हमने पहले भी देखी है, बिकॉज इंडिया में लो कॉस्ट ऑफ लेबर है, लेबर का खर्चा वेजेस जो है वो काफी ज्यादा लो है, लो कॉस्ट ऑफ अदर रिसोर्सेज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, इनका खर्चा भी कम है। अब दोनों के खर्चे अगर कम है तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, किसी भी चीज को बनाने का खर्चा जो है वो भी अल्टीमेटली कम होगा। और फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, इंडिया प्रोवाइड्स अ बिग मार्केट फॉर द कंपनी टू मेक प्रॉफिट ऑन अ लार्ज स्केल। तो यहाँ पर देखिए आपको ये चीज दे रखी है, इंडिया में काफी ज्यादा, इंडिया के थ्रू जो है वो काफी ज्यादा मार्केट मिलता है, क्लोजनेस टू मार्केट मिलती है। इंडिया में तो प्रोडक्ट, इंडिया में तो सेलिंग होती ही है और आउटसाइड द इंडिया भी सेलिंग होती है, बिग मार्केट है, मोर सेलिंग है और अल्टीमेटली ज्यादा सेलिंग होगी तो मोर प्रॉफिट है। अब हम ये वाला जो पॉइंट है इसको अच्छे से समझते हैं। अ नंबर ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरर जो है, बहुत सारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में वो इन्हें कंपोनेंट जो है वो सप्लाई करते, तो बिकॉज इनके पास अबंडेंस ऑफ स्टॉक है, तो बिकॉज इसकी वजह से उन्हें कोई भी कमी नहीं, स्कैर्सिटी नहीं आएगी, तो वो जो है अलग अलग
जगह जो है वो अपना कंपोनेंट जो है वो सप्लाई कर सकते हैं। तो देखो इसको हम लैंग्वेज में समझते हैं, अ नंबर ऑफ लोकल मैन्युफैक्चर जो है वो सप्लाई करते हैं कार कंपोनेंट्स टू दैट चेन्नई प्लांट, और एमएनसी को ऐसा लगता है कि वो दूसरे पार्ट्स में भी बेच सकते हैं बिकॉज उन्हें अबंडेंस जो है कंपोनेंट्स की सप्लाई मिलती ही रहती है। तो हमें इस तरीके से ही शॉर्ट में से याद रखना है, फोर्ड मोटर्स कंपनी वो चाहती है कि फोर्ड इंडिया जो है वो इंडिया में ऐसा कंपोनेंट सप्लाइंग बेस जो है वो बनाए और अक्रॉस द कंट्री से इन्हें बेचे। इसके रीजन क्या है? सबसे पहला हमने देखा लोअर कॉस्ट ऑफ लेबर, जहां पर वेजेस जो है वो काफी कम रहते हैं, चीप रहते हैं। दूसरा हमने देखा लोअर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसे दूसरे रिसोर्सेस, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कम होता है, और बिकॉज अल्टीमेटली खर्चा कम होगा तो प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो भी कम होगा। और फिर हमने देखा कि अलग अलग लोकल कंपनी जो है वो सप्लाई करती है कंपोनेंट चेन्नई प्लांट में, तो इनके पास बहुत सारा अबंडेंस ऑफ क्वांटिटी है और वो दूसरे कंट्रीज में भी, दूसरे रीजन में भी सप्लाई कर सकती है। और फिफ्थ पॉइंट हमने देखा कि इंडिया में बहुत ही लार्ज मार्केट है, बड़ा मार्केट है, तो सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स भी एकदम अच्छे से होगी, सेलिंग ज्यादा होगी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, इसलिए वो कंपोनेंट सप्लाइंग बेस जो है विद द ब्रांड एंड फॉर इंडिया जो है वो इंडिया में सेटअप करना चाहती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। इसे हमें केस स्टडी, इन दोनों को हमें केस स्टडी के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। तो अच्छे से हमें कारगिल फूड्स का भी याद रखना है और फोर्ड मोटर्स कंपनी का भी याद रखना है। तो हमारा पार्ट फर्स्ट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने अलग अलग टॉपिक्स के बारे में समझा, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, हाउ एमएनसी जो है अपने प्रोडक्शन को अक्रॉस द कंट्री जो है वो स्प्रेड करती है। हमने अलग अलग केस स्टडी के थ्रू फोर्ड मोटर्स और महिंद्रा महिंद्रा एंड कारगिल फूड्स और भारत फूड्स के बारे में देखा, इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में देखा। तो दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट वन। हम पार्ट टू में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो पढ़ेंगे।